हेलो स्टूडेंट, एक नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, ये वीडियो में पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर में अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड की क्लास 26 है, यानी वीडियो का पार्ट नंबर 26 से प्रश्नावली 9.1 यानी चैप्टर 9 हमने स्टार्ट कर दिया है। और आज का हमारा टॉपिक है जैकोबियन। आज जैकोबियन की हम बेसिक टू एडवांस सीरीज देंगे, यानी जिससे कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये बता दूं कि अगर आपको जैकोबियन की आज की वीडियो की अगर बेसिक क्लास नहीं समझ में आई तो कोई ऐसा ट्रिक नहीं है कि जो आपको जैकोबियन सिखा सके, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जैकोबियन आपको बिल्कुल आसानी से आ जाए, ठीक है। और बता दूं, आज है दिवाली, तो सबको हैप्पी दिवाली। और चलते हैं सीधे अपनी क्लास की तरफ, जैकोबियन की ट्रिक देखेंगे, सब कुछ सीखेंगे। लेकिन हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर स्किप करके देखोगे तो गारंटी वारंटी सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं बताता हूँ कि बेसिक क्लास देखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इस वीडियो के साथ, आज है दीपावली, सब लोग ईमानदारी से एक लाइक करेंगे, ठीक है। लाइक का एम कोई मैं नहीं रख रहा हूँ, सिर्फ ईमानदारी से सब लोग एक लाइक करेंगे, क्योंकि आज दीपावली है भाई। और हाँ, लाइक के साथ साथ एक शेयर भी बनता है, लाइक के साथ साथ एक शेयर भी तो बनता है दीपावली के दिन, क्योंकि आपके और दोस्त को पता चल जाए। तो बस यही बेसिकली आज की अपनी क्लास रही। तो चलते हैं सीधे क्लास की तरफ अपने, और हम जैकोबियन की कुछ परिभाषा वगैरह आपको बताते हैं, जो कि हमने अच्छे शब्दों में यहाँ पे लिख के रखा है। तो ये देख सकते हो, जैकोबियन की इधर परिभाषा देख लो, फिर क्लास तो हम लेंगे। यदि देखो, चैप्टर 9 अगर हमने लिख दिया, परिभाषा आपके लिए यहाँ पे है। देखो, परिभाषा तो उतना नहीं हो सकता समझ में आए, लेकिन एग्जांपल वगैरह जब देखोगे, मेथड क्लियर करोगे तो आ जाएगा। लेकिन ये परिभाषा जरूरी है, ठीक है। क्या डिफिनेशन है जैकोबियन की? यदि यू तथा वी दो स्वतंत्र चर हों, ठीक है, और हों स्वतंत्र चर हों, यक्ष तथा वाई इनके फलन हों, ठीक है, यक्ष तथा वाई फलन हो, तो सारणी, ध्यान रहे जैकोबियन को इस तरह सारणिक में दिखाते हैं, कुछ इस तरह से हो जाएंगे अगर इस फॉर्म में है तो, अभी मैं बताऊंगा कैसे होते हैं। को यक्ष तथा वाई के सापेक्ष यू भी का जैकोबियन कहा जाता है। ये परिभाषा हो गई, लेकिन इसके मतलब समझोगे। लेकिन हाँ, तीन चीज़ और जानना आपको जरूरी है। ये जो तीनों चीज़ लिखी गई हैं, इसको इस तरह भी दिखाते हैं, इस तरह भी दिखाते हैं, इस तरह भी दिखाते हैं, ठीक है। डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई इस तरह भी दिखाते हैं, या जे करके इस तरह दोनों दिखाते हैं। देखे, डेल डेल है, भी है, ठीक है, डेल है, भी है, यक्स वाई है, या कुछ इसको इस तरह यू भी में भी हम दिखाते हैं। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ इस तरीके का भी आता है, लेकिन शायद यहाँ पे यू भी हो सकता है, लेकिन अभी तो मैंने देखा नहीं, फिलहाल मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, यू भी हो सकता है, ध्यान मत रखना, मतलब तो ध्यान में रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यू ही कर लो, ठीक है, यू कर लो। तो इस तरीके से हो सकते हैं। और इसी तरीके से अगर तीन फलन का है, यू भी डब्लू है, और इनका यक्स वाई जेड के साथ पे जैकोबियन निकालोगे, कुछ इस तरह लिखोगे, और ये चीज़। अब इस चीज़ को यार समझो, अगर इसे नहीं समझोगे तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब समझो क्या कह रहा है। अगर देखो कुछ इस तरीके का दिखे और इस फॉर्म में, इसको ध्यान रहे ऐसे दिया रहेगा, आपको इसको सारणिक में बदलना है। सारणिक का इंग्लिश में मतलब होता है डिटर्मिनेंट में आपको बदलने हैं, और डिटर्मिनेंट तो हल करने सबको ही एक्चुअली आता ही है। तो चलो यार देखो, बताता हूँ क्या कह रहा। सबसे पहले यू का लोगे, तीनों के सापेक्ष अवकलन करोगे और इस पंक्ति में लिख दोगे। देखो, यू यहाँ भी लिखा मैंने, यू यहाँ भी लिखा, यू यहाँ भी लिखा, फिर नीचे तीनों के सापेक्ष हमने अवकलन करके रख दिया। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, डेल का भी के सापेक्ष लिया, देख सकते तीनों में भी लिया हूँ, पुनः एक्स वाई जेड नीचे रहेगा, वैसे ही पड़ा हुआ है। फिर देखिए तीनों समान रहेंगे इसे से, ध्यान रहे। फिर उसके बाद डब्लू वाला जब लेंगे तो डब्लू सब समान रहेंगे, एक्स वाई जेड रहेगा, बिल्कुल यही होता है आपका जैकोबियन। यानी यहाँ से कुछ हल नहीं हो पाते, हम यहाँ से सारणिक वगैरह नियम का यूज़ करके हम इसको सॉल्व करते हैं और हम ट्रिक को समझते हैं। तो अब देखो दोस्तों, हम चलेंगे सीधे क्वेश्चन की तरफ और एक प्यारा सा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आपके सामने हमने ये क्वेश्चन लिख दिया है, जो कि इम्पॉर्टेंट टाइप का तो नहीं कर सकते, लेकिन हो भी सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से क्लियर होंगे, कैसे हल करते हैं मेथड आप क्लियर करेंगे, तभी अगले जो क्वेश्चंस होंगे उसको अपने आप सेल्फ से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में। यदि x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा, तो दिखाइए। फर्स्ट स्टेप में डेल यक्स वाई अपान डेल r है, ठीक है, डेल है r इंटू थीटा के सापेक्ष, और आना चाहिए r आना चाहिए। दूसरा इसमें है कि डेल r थीटा, मतलब इसी का उल्टा करने पे 1/r है, तो यहाँ हम मेथड को लगाएंगे, यूज़ कर लेंगे, अलग पुराने नियम से भी करोगे तो भी वही चीज़ आएगी। फिर इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, कहा जा रहा है तीसरे में जे डैश इज इक्वल टू इतना है, जे इज इक्वल टू इतना है, तो दिखाइए कि जे डैश इज इक्वल टू 1/j ही होता है। तो हम इन सबको दिखाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं सीधे। तो सबसे पहला मैं फर्स्ट वाला ही सॉल्व करूँगा, ठीक है, फर्स्ट वाला ही मैं सॉल्व करूँगा। फर्स्ट वाले में क्या है, कहा जा रहा है डेल है, और किसके सापेक्ष, यक्स वाई अपान में डेल किसके, आर और थीटा के सापेक्ष। यही चीज़ गाइस आपको कही गई, तो आपको क्या करना है, आपको जैकोबियन में बना लेना है।
जैकोबियन में देखिए ऐसे बनाते हैं कुछ, यानी हमने बताया था डेल एक्स अपान में डेल आर हो जाएगा, ठीक है, फिर दूसरा डेल एक्स अपान डेल थीटा के सापेक्ष हो जाएगा, फिर डेल वाई अपान में डेल आर के सापेक्ष, डेल वाई अपान में डेल थीटा के सापेक्ष। ये गाइस हमारा अवकलन मतलब सारणिक फॉर्म में हमने चेंज कर दिया। करना क्या है, यक्स और वाई दिए गए हैं, इनको आर और जिसके सापेक्ष करो उसका अवकलन कीजिए, यहाँ पे रखिए, हल कीजिए, आर आना चाहिए। तो चलिए हम वही करते हैं, यहाँ पे अलग से भी आप इन सबको हल करके ला के यहाँ रख सकते हैं, लेकिन मैं यहीं से सॉल्व करके यहीं रख दूंगा, क्योंकि मुझे पता है आपको बेसिक नहीं पता होगा भाई, वो तो दिक्कत में है, लेकिन यहाँ थोड़ी से बेसिक है लेकिन पहले से थोड़ा ही एडवांस है, क्योंकि ये सब चीज़ें आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चलो यार सबसे पहले क्या करा, यक्स का आर के सापेक्ष अवकलन करो। तो दोस्तों अगर यक्स का आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आर सब वन हो जाएगा, कॉस थीटा ओनली बचेगा, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे कॉस थीटा लिख दूंगा। दूसरे स्टेप में कहा जा रहा है कि यक्स जो है इसी यक्स का थीटा के सापेक्ष कर दो। तो देखिए कॉस थीटा का जब अवकलन करते हैं तो माइनस साइन थीटा होता है, आर वैसे ही रहेगा यानी माइनस आर साइन थीटा हो जाएगा, ये आपके आ जाएगा माइनस आर साइन थीटा हो जाएगा, इतनी चीजें। दूसरे स्टेप में कह रहा है दोस्तों y का मतलब अवकलन कीजिए किसके, r के सापेक्ष, तो r का वन साइन थीटा का, तो साइन थीटा ही रह जाएगा, तो देख सकते हैं साइन थीटा हो जाएगा। फिर अगला स्टेप में कह रहा है इसी y का थीटा के सापेक्ष कीजिए, तो r तो ऐसे रहेगा, साइन थीटा का cos थीटा होता है, तो r cos थीटा हो जाएगा, r cos थीटा हो जाएगा। तो देख सकते हो गाइस इस तरीके के कुछ हो जाएंगे। अब देख सकते हो कि सारणिक में किसी पंक्ति या किसी स्तंभ से कॉमन होता है, ये नहीं कि यहाँ से कॉमन अगर भेजोगे भी तो किसी पंक्ति या स्तंभ के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब दोनों, ये देखो इस स्तंभ में दोनों में है, तो इससे यहाँ से कॉमन करके बाहर पकड़ ले सकते हो। तो हमने क्या किया, आर को कॉमन कर लिया, आर को कॉमन करेंगे तो कुछ देखो इस तरीके के दिखेगा, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे हमारा बेसिकली देख सकते हो साइन थीटा, यहाँ पे देख सकते हो माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे देख सकते हो हमारा कॉस थीटा, कुछ इस तरीके के हो जाएंगे। इसके बाद आर तो कॉमन है, इसको सॉल्व करना आपको पता है, यहाँ पूरा यहाँ कीजिए इस तरह से, यहाँ जब करोगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से करोगे तो देख सकते हो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ ऑलरेडी एक माइनस आता है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इस तरीके का। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बेसिकली आर, और इसका मान आपको पता है वन होता है, तो यहाँ पे वन से मल्टीप्लाई कर आर आ गया, आप यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड। तो देख सकते हैं पहली सिंपल ट्रिक सीख चुके हैं, इसी तरीके से दूसरा भी होगा, लेकिन अभी तक आपने वीडियो देखा, अब इस बात पर क्वेश्चन आ गए तो लाइक एक बनता है, लाइक बनता है कि नहीं बनता है, तो एक लाइक अभी तक जिन्होंने नहीं किया वो कर देंगे। तो चलो यार इसी तरीके से हम दूसरे देख सकते हैं, मेरे पेज तो भर चुके हैं, मैं एक दूसरा पेज ले लेता हूं और इसका हम दूसरा पार्ट करके मैं आपको यहां पे बताता हूं, ठीक है, इसका दूसरा पार्ट किस तरीके से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके सामने आपका अगला क्वेश्चन ए रहा, करना क्या है इसको भी हमें जैकोबियन में करना है, सॉल्व जैकोबियन मेथड से। हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मतलब इधर अभी मैं बताता हूँ, हालांकि मैंने ये डंडी खींच दी, चलिए पहले इसी को लिख लेते हैं, डेल आर और थीटा है, फिर डेल यक्स एंड वाई है। अब क्या करना है, इसके बाद आपको इसको इस तरह सारणिक फॉर्म में ले जाना, यानी डेल आर हमने बताया था, फिर डेल यक्स हो जाता है, फिर डेल आर ही लिखेंगे लेकिन डेल वाई लिखेंगे, फिर डेल थीटा अपान डेल यक्स हो जाएगा यहाँ पे, फिर डेल थीटा अपान डेल वाई हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरीके का आपका हो जाता है। बात रही इसके मान निकालने की, तो आप यहाँ से देख सकते हो इसमें ना तो आप यक्स सापेक्ष मतलब आर के यहाँ यक्स के सापेक्ष बोला है और थीटा का, ना तो इसमें यक्स इस साइड में है, ना इधर है हमारा थीटे मतलब वाई है, तो इसका मतलब ये सॉल्व नहीं हो सकता। इसके लिए आपको कुछ और नियम्स का याद होना चाहिए, वो आपके अपने मन से सोचना होगा। यहाँ पे मुझे एक को नियम से यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इसी तरीके से आप सोच सकते हैं। सबसे पहले यदि मैं क्या करूँ, इसको दोनों का वर्ग करके जोड़ दूँ तो हमें आर की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, अगर मैं दूसरे में पहले से भाग दे दूँ तो मुझे थीटा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए शुरू मतलब देखते हैं इस तरह से। तो आपको दिया गया है यहाँ पे, क्या दिया गया है आपको, दिया गया था यही ना कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, यही दिया गया था, और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, यही चीज़ गाइस आपको यहाँ पे दी गई थी। तो आपको क्या करना है, आपने सब कुछ तो लिख लिया है, अब आपको क्या करना है, अगर मैं कहूँ दोनों का वर्ग, या मैं लिखूँगा नहीं, आप लिख सकते हैं एक लाइन में, दोनों का वर्ग करके मैं जोड़ दूँ तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और यहाँ तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा। क्या मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ? जी हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसका मान 1 होता है, यानी हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। या ये चीज़ लिखूँ या मैं कहूँ आर इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इतनी चीज़ गाइस, यानी कहने का मतलब इतनी वैल्यू हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो यहाँ स्केच फिलहाल चल नहीं रहा था, मैं दूसरा स्केच ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी। अब देखिए r की वैल्यू प्राप्त हो गई आपको, एक वैल्यू यहाँ 2 में था इसलिए नहीं हो सकता। अब देखिए हमें थीटा की प्राप्त वैल्यू प्राप्त करनी है, तो मैं यहाँ से भाग दूंगा, ठीक है। यानी ये दूसरा मान लो, इसको पहला मान सकते हो। तो मैं यहाँ से जब देखो यार भाग दूंगा तो आपका क्या आएगा, यहाँ से जब देखो भाग दूंगा, पहले ही सब मान ज्ञात कर लेते हैं। तो जब इसमें से इसमें भाग दूंगा, देख सकते हो तो हमारा यही बचेगा ना, आर साइन थीटा अपान में आर कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। ये चीज़ लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ। आर से आर हमारा कट जाएगा, ये होता है हमारा टैन थीटा, यानी इम्प्लाइज दैट टैन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स हो जाएगा। या ये लिखूँ, या तो ये मैं कह दूँ थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स वाई बाई एक्स। ये चीज़ लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो आपके सामने देख सकते हो थीटा मिला, आर मिला, हल करने के लिए अब हम रेडी हैं। अब देखिए मैंने आपसे बताया था अभी पिछले टाइम कि इसको अलग अलग हल करके लाओ, यहाँ रख दो तब, क्योंकि यहाँ बड़ी चीज़ें हैं तो थोड़ा सॉल्व करने में टाइम्स लगते हैं। तो चलो यार इसको हम क्या करेंगे, सीधा सा इधर क्या करते हैं, हम सीधा से इसको सॉल्व करते हैं कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ से आर अपान एक्स, यानी इसका हम एक्स साथ अवकलन करते हैं फिर वाई के सापेक्ष। तो चलो यार हम निकालते हैं, यानी डेल आर अपान में डेल एक्स, ये चीज़ निकालते हैं। तो देख सकते हो आर की वैल्यू हमारी ए है, इसका जब हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, अंडर रूट नहीं, अब यहाँ पे 3/2 में चलेगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देख सकते हो यही चीज़, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जब देखो यहाँ करोगे और 1/2 पहले से था तो आपका क्या हो जाएगा, -1/2 में आ जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आ जाएंगी, आप करके भी देख सकते हो इस तरह के अवकलन को, क्योंकि माइनस घटेगा हाफ में से आधा घटेगा तो भाई इतना ही आएगा, ठीक है, 1 घटेगा तो इतनी चीज़ हो जाएंगी। फिर पुनः एक्स स्क्वायर का होगा तब तक होता है जब तक कि 1 ना आ जाए, एक्स स्क्वायर का होगा 2x, पुनः एक्स का होता तो 1 आता लेकिन उसको लिखते नहीं। तो आप देख सकते हो कि 2 से 2 कट रहा है तो इसको काट दो, और इसको हमें करने पे बच क्या रहा है उसको लिख लो, एक्स अपान में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतनी चीज़ें हमारी बच रही हैं या नहीं हमें बताइए आप, ठीक है। तो इतनी चीज़ तो आपने कर ली, लेकिन यहाँ पे अब आपको भी देखिए और चीज़ें देखनी पड़ेगी जो कि साथ में है, क्या, यक्स की वैल्यू और इतने की वैल्यू। इतने की वैल्यू देख सकते हो r दी गई है, और यक्स की वैल्यू आपको दी गई है r cos थीटा, यानी दोनों के मान को आपको यहाँ रख देने हैं। तो यानी डेल r अपान में डेल यक्स इज इक्वल टू, यक्स की वैल्यू दी गई थी r cos थीटा अपान में, यहाँ पे r की वैल्यू दी, मतलब यक्स की, और इतने की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पे वैल्यू r दी गई है तो r रख लो। तो r से देख सकते हो r कट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा। तो देख सकते हो एक वैल्यू आपको पता हो जाएगी, इधर ऐसे टिक लगा लो क्योंकि अभी जब सामने हम लोग करेंगे, हालांकि पेपर में ऐसा लगाने की जरूरत नहीं है, एक वैल्यू दिख गई। इसी तरीके से हम डेल आर का डेल वाई के सापेक्ष निकालते हैं, डेल आर का डेल वाई के सापेक्ष निकालेंगे तो उसका भी 1/2 आएगा, फिक्स आएगा। फिर उसका क्या आएगा, यही चीज़ आएगी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर -1/2। अब यहाँ एक्स का नहीं वाई के सापेक्ष कर रहे हैं, इंटू 2y हो जाएगा, तो 2 से 2 हमारा बेसिकली कट जाएगा। तो बचेगा क्या, y अपान में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतनी चीज़ें मिल जाती हैं, तो डेल r अपान में डेल y, तो आप देख सकते हैं कि y और इसकी वैल्यू दी गई है, तो y की वैल्यू दी गई थी r साइन थीटा, तो रखिए यहाँ पे r साइन थीटा बटे में इसकी वैल्यू r दी गई, तो r से r कट जाएगा, तो बेसिकली मेरा बचेगा क्या, मेरा थीटा साइन थीटा बच जाएगा। तो 2 वैल्यू मिल चुकी। इसी तरीके से दोस्तों हम क्या करेंगे कि और भी पार्ट को हम करते हैं, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब इसको देखिए और भी पार्ट को करते हैं, जैसे आइए हम उसको भी करके बताते हैं क्योंकि ये पेज फुल हो चुका है। तो अब हमको क्या निकालना, हमको निकालना डेल थीटा अपान डेल एक्स। तो हम वैल्यू कहाँ से लेंगे, हम इस वैल्यू से काम चलाएंगे, ठीक है, काम चलाएंगे नहीं होना आगा, ठीक है। डेल थीटा अपान डेल एक्स करते हैं, चलिए डेल थीटा अपान डेल एक्स को करते हैं, डेल थीटा अपान में डेल एक्स, यानी जो थीटा था उसका एक्स सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो आपका बेसिकली क्या था, थीटा इज इक्वल, मैं इधर लिख देता हूँ, देखिए थीटा इज इक्वल टू आपका था टैन इनवर्स वाई बाई एक्स, यही मान दिया गया था।
अब देखिए जब इसका करेंगे टैन इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है, जब अवकलन करोगे तो होता है 1/1 + x² यानी y² / x² इतनी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अभी अवकलन समाप्त नहीं हुआ, अभी y/x का होगा, x नीचे है, इसका अवकलन करोगे यार तो आएगा आपका -y/x². ये चीज़ें होती हैं। आप कहेंगे आपने कैसे कर दिया भाई, मुझे पता है तो मैंने जल्दी से सॉल्व कर दिया। तो इधर देखो अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, इधर कुछ अब देखो क्या करेंगे, x² लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं हम x² + y² इतनी चीज़ें लिख सकते हैं, इंटू माइनस में जो उसको लिख लो -y/x² है। तो x² से देख सकते हैं x² कैंसिल हो जाएगा, जो चीज़ें बचेंगी उसको रखिए, मान जो दिया उसको देखिए। तो देख सकते हो y की वैल्यू क्या दी गई थी, y की वैल्यू आपकी दी गई थी r sin θ, तो -r sin θ लिखिए। बिल्कुल इसी तरीके से x² y² की वैल्यू r दी गई थी, तो r की वैल्यू r से r कट जाएगा, तो बेसिकली आपका क्या बचेगा -sin θ, यानी कहने का मतलब (d θ/d x) की वैल्यू -sin θ हमको प्राप्त हो गई। ठीक है, -sin θ हमको यहाँ पे प्राप्त हो गई। हाँ एक सेकेंड, थोड़ी सी दिक्कतें हुई क्या कि देखिए यहाँ इतने की वैल्यू दी गई थी, लेकिन हम लोगों ने किसकी निकाली है, हमने अंडर रूट की निकाली है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर वाला फॉर्म रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर भी हमारा एक बच जाएगा, क्योंकि देख सकते हो यहाँ अंडर रूट नहीं था, मैं सोचा अंडर रूट है, तो थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि भाई मोबाइल शूट करना और सब देखना होगा ना, तब तो इसमें हो जाता है भूल, तो लेकिन मैंने वहाँ बता दिया। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हो जाती हैं यार। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, (d θ/d y) को हम ज्ञात करते हैं, देख सकते हो बिल्कुल उसी तरीके से पुनः वही सब चीज़ें आएंगी, यानी 1/1 + y² / x² तो रहेगा ही, लेकिन बस चेंज क्या होगा यहाँ पे दोस्तों कि हम y कर रहे हैं, y हमारा ऊपर ये y का 1 हो जाएगा, तो (into 1/x) बस ऐसे बचा रह जाएगा और सब चीज़ें वैसे रहेंगी। तो इसको जब सॉल्व करोगे यार क्या हो जाएगा, (x² / (y² + 1/x) हो जाएगा। तो देख सकते हो एक x से एक x कैंसिल हो गया, x का जो मान है उसको रखिए, x का मान हमारा क्या दिया था r cos θ, तो r cos θ हो जाएगा बेसिकली सा, और इसकी वैल्यू क्या दी गई थी r² तो एक स्क्वायर से कट जाएगा, तो बेसिकली से बचेगा क्या cos θ/r। तो यही आपका गाइस इन तीनों चीज़ों का वैल्यू पता हो गई, कहने का मतलब यहाँ भी एक टिक लगा लो और यहाँ भी इस तरह से कर लो, क्योंकि देखो यही चार मान हैं और इन चारों मानों को ले चलो यार यहाँ पे रखो। तो करना क्या है आपको, इसके बाद इतना जब स्टेप कर लेते हैं तो आपको एक इम्प्लाइज दैट का चिन्ह लगाना पड़ता है, इसको इम्प्लाइज दैट बोलते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएंगे, तो सबसे पहला हमारा जो मान था, हम यहाँ से देखते हुए दिखाते हुए आपको चलते हैं, (d r/d x) देखिए (d r/d x) वैल्यू आई है cos θ, तो यहाँ पे रखिए cos θ। फिर इसी तरीके से देखिए अगला क्या था, (d r/d y), तो इसकी वैल्यू आप रखिए (d r/d y) देखिए किधर आइए, इधर है तो sin θ है, तो sin θ रखिए। फिर उसी तरीके से देखिए यहाँ पर भी है, अब यहीं पर है, तो कह रहा है (d θ/d x), इसकी वैल्यू रखिए तो -r sin θ यहाँ हो जाएगा, माइनस यहाँ पे sin θ और बाई में r हो जाएगा, और इसका क्या दिया गया था, इसका cos θ बाई में r, यही वाला चीज़ है, r रख लेंगे। अब इसको यार सॉल्व करना है तो आप देखिए 1/r कॉमन ले सकते हो, तो यार सीधे सीधे 1/r को हम कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा क्या, उसको लिख दो पहले cos θ - sin θ, और यहाँ पे हमारा बेसिकली देख सकते हो sin θ, यहाँ पे हमारा cos θ, कुछ इस तरीके का। अब देख सकते हो 1/r हो जाएगा यहाँ पे, और इसको जब इधर करोगे तो जाएगा क्या cos²θ, इधर जब इसको सॉल्व करोगे तो +sin²θ, इसको जब इसका मान तो 1 होता है, तो यानी 1/r, और यही आपका आंसर तो नहीं कहोगे, प्रूव्ड बोलोगे। ठीक है, प्रूव्ड, और साथ में राइट हैंड साइड लिखते हो। तो देख सकते हो गाइस थोड़ी बड़ी सवाल थी, बड़े कॉन्सेप्ट को सीखा, अभी तो हम इतने ही नहीं और भी कॉन्सेप्ट बताएंगे। अब देखिए यार जो तीसरा जो क्वेश्चन होता है वो आपका बिल्कुल आसानी से यहाँ सॉल्व हो जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो मैं इधर ही बता देता हूँ, तीसरा क्वेश्चन आपका कहाँ गया, तीसरा क्वेश्चन मैं इधर पहले कॉपी आपकी पकड़ूँ तब ना, जिस पर लिखा तो फिल हो गई, ये रहा आपकी कॉपी। तो यहाँ देखो कहा था (z) = (j) = (j), तो दोनों का मान देखो हमको पता है, क्योंकि देख सकते हो ये भी हमने निकाला, ये भी हमने निकाला, इन दोनों का मान पता है, यही प्रूव्ड करना है, तो सीधे सीधे यार लिख दो। अब यहाँ पे क्या करोगे, थर्ड के लिए यहाँ एक पॉइंट थर्ड भी बना लो ऐसे करके, ठीक है, इस तरह से थर्ड। तो आपको क्या दिया था, (j′) = दिया गया था (d r θ/d x y), इतनी चीज़ दी गई थी, इसका मान क्या दिया गया था, आर दिया गया है, क्योंकि थोड़ा सा उल्टा टाइप का था। फिर हमें जे की वैल्यू कितनी पता हुई, जे की वैल्यू (d x y) हमने निकाला, (x y/d r θ) के सापेक्ष में, तो रेशियो हमको r मिला। तो अब हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है,
क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है जे डैश इज इक्वल टू वन अपॉन जे होता है, प्रूव करो। अगर ए होता है दोस्तों तो मैं क्या इसको ये नहीं लिख सकता हूँ जे डैश इंटू जे, मतलब जे इज इक्वल टू वन होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, हो सकता है क्योंकि यहाँ से यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है जे इंटू जे डैश, तो हम दोनों की वैल्यू रखते हैं। देखिए जे की वैल्यू क्या दिया गया था, आर दिया गया था, जे डैश की वैल्यू वन अपान आर, दोनों से कट जाएगा वन आ जाएगा। तो देख सकते हो राइट हैंड साइड आया कि नहीं, ये राइट हैंड साइड आया कि नहीं, और यहाँ पे लिख दो प्रूव्ड, ठीक है प्रूव्ड लिख दो। तो गाइस आपने देखा ना आपका आंसर यही हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपने इस क्वेश्चन को सीखा। आइए हम और भी क्वेश्चन इसी तरीके से कुछ बता देते हैं जिससे आपके और भी डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो दोस्तों आपके सामने ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन को करेंगे ताकि आपके और कुछ डाउट्स क्लियर हों, ठीक है। कहा जा रहा है x इक्वल टू इतना है, y इक्वल टू इतना है, तो आपको इतने का मान निकालना है। तो चलिए सिंपल सा ट्रिक जो हमने जाना अभी तक सीखा, सबसे पहले इसको लेते हैं, यानी हम लिखते हैं डेल x और y अपान में डेल u और v, इतनी चीज़ें गाइस लिख देते हैं। इतना लिखने के बाद आपको पता है कि साड़ी बनाते हैं, डेल x अपान डेल u लिखते हैं, फिर यहाँ भी डेल x अपान डेल v लिखते हैं, इधर हम डेल y अपान में डेल u लिखते हैं, फिर इधर डेल y अपान में डेल v लिखते हैं। तो गाइस इतनी चीज़ें हम लिख लेते हैं। अब क्या करना है, अब देखो यार इसको अलग अलग करके ला के यहाँ रखो, चाहे इसी में छोटा है तो कर दो, अगर बड़ा टाइप का है तो उसको अलग करके करो अच्छे से, फिर यहाँ रखो, नहीं तो गलती हो सकती है इससे, ठीक है। तो देखो यार मैं सिंपल सा कैसे सॉल्व करता हूँ इसको, डेल एक्स अपान यू, यानी एक्स का दिया यू के सापेक्ष करना है, देखो यू के सापेक्ष करूंगा यू का वन हो जाएगा, बाकी सब वैसे पड़ा रहेगा, यानी वन प्लस भी हमको मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल मिलेगा। इसी तरीके से यक्स का भी के सापेक्ष करो, देखो यार भी के सापेक्ष जब करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे यू तो कॉन्स्टेंट रहेगा, वैसे ही पड़ा रहेगा, वन का करोगे जाओगे अंदर तो जीरो हो जाएंगे, और यहाँ पर जब करोगे भी का तो बेसिकली समझ सकते हो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे जब करोगे भी का तो वन हो जाएगा और वन का जीरो हो जाएगा, लेकिन वन में जब यू का गुणा होगा तो यू बचेगा ओनली, तो इसका मान क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। अब इसी तरीके से वाई वाले का यू के सापेक्ष करते हैं, तो इसका तो वन ये तो जीरो, यहाँ से यानी भी हमको मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा। फिर अगले स्टेप पे जब हम चलते हैं तो इसका हम करते हैं किसके भी के सापेक्ष, भी का वन यानी वन प्लस यू मिल जाएगा, वन प्लस यू मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। अब क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करने हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका इधर कर लो, तो वन प्लस भी हो जाएगा इस तरह से, वन प्लस यू हो जाएगा, इसका इधर कर दोगे माइनस यू भी हो जाएगा। अब क्या करने हैं, मल्टीप्लाई करने हैं, और जो घट रहा होगा उसको कर देते हैं, तो यहाँ से वन हो जाएगा, फिर इसका करेंगे तो प्लस यू हो जाएगा, इसका करेंगे तो प्लस भी हो जाएगा, दोनों करेंगे प्लस यू और भी हो जाएगा, माइनस यू भी हो जाएंगे। तो देख सकते हो माइनस प्लस में, तो इस तरह से कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या वन प्लस यू प्लस भी। तो गाइस आपके आंसर आ जाएंगे कुछ, ये देखो बेसिक एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन यही था दोस्तों। तो आपने देखा ना कितने अमेजिंग तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर टू को भी देख लिया, आइए इसी तरीके का कुछ हम बड़ा क्वेश्चन यानी धमाल करने वाला क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन ए रहा, मैंने इसे थ्री वेरिएबल्स में लिखा, मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि आपको एक थ्री वेरिएबल वाला भी क्वेश्चन आना चाहिए। मैंने इसमें लिखा है कि मतलब क्वेश्चन जो मैंने लिया चूज किया, यू इज इक्वल टू इतना, वी इज इक्वल टू इतना, डब्ल्यू इज इक्वल टू इतना, तो इसके बाद गाइस आपको क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि इतना और बराबर इतना आपको प्रूफ करना है, यानी इतने का मान आप निकालेंगे तो इतना आना चाहिए, यानी उत्तर दिया गया है हमको, कुछ करना यहाँ पे नहीं है। तो बेसिक से हम तीन वाला करते हैं, सबसे पहले देखिए बेसिक से तीन वाला दिया ना, तो डेल लिखो यू भी डब्लू कर लो, ठीक है। इसका अलग मान ले आकर इसमें रख सकते हो या तो इसी में सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको छोटा लगता है आपको कॉन्फिडेंस है कि हम सही करेंगे, तो डेल यक्स वाई जेड निकालो। इसके बाद आपको पता है कि साड़ी बनाते हैं, तो आपको क्या डेल यू अपान डेल यक्स, डेल यू अपान में डेल वाई, डेल यू अपान में डेल जेड, डेल भी अपान में डेल एक्स, डेल भी अपान में डेल वाई, और डेल भी अपान में डेल जेड। अगला क्या होगा, डेल डब्लू अपान में डेल एक्स, डेल डब्लू अपान में डेल वाई, डेल डब्लू अपान में डेल जेड। तो गाइस आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके के हमारे डेल फॉर्म में लिख देंगे थ्री बाई थ्री क्रॉस में। करना क्या है, सबके मान को अलग अलग निकाल के यहाँ रख दीजिए, चाहे यहीं पर रख के सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए u अपान x, यानी हम सबसे पहले u को पकड़ेंगे, तीनों के सापेक्ष करते रहते जाएंगे, u का जब करोगे पहली बार में यक्स यक्स जेड मिलेगा, यहाँ से यक्स वाला तो मतलब खत्म हो जाएगा, वाई जेड मिलेगा, फिर जब यहाँ वाई में करूँगी यक्स जेड मिलेगा यानी जेड यक्स, फिर यहाँ पे
यस जेड मिलेगा। इस तरीके से आपको यहाँ जेड करोगे एक्स वाई मिल जाएगा, तो कुछ इस तरह यहाँ मिल जाएंगे। दूसरे स्टेप में जब इस तरह यहाँ भी के साथ इस पे आएंगे तो यक्स का करेंगे तो देख सकते हो यक्स का वन हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ से वाई प्लस जेड मिलेगा। इसी तरीके से तीनों फॉर्म में करके लिखेंगे। इसी तरीके से जब वाई के इसके पास आएंगे तो यक्स का तो वन हो जाएगा, सबका जीरो यानी वन वन सब मिलेंगे। तो इस तरह से सब पता है, छोटा लिया हूँ ताकि आपको यहाँ से अच्छे से हल हो जाए। तो मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ, देख सकते हो पीसफुल, इसके बाद मैं इधर कर लेता हूँ साइड में। तो आपको क्या करने हैं कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको क्या करने हैं कि डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान निकालने हैं और यू इज इक्वल टू एक्स वाई जेड दिया था, तो उसके अनुसार जब आप हल करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या क्या आएंगे उसको मैं बता देता हूँ आपको। आपका एक्स आप करेंगे तो वाई जेड बचेगा, फिर आपका जेड एक्स बचेगा, फिर आपका क्या बचेगा यक्स वाई बचेगा। दूसरे स्टेप में हमने बताया, अभी मैं बता देता हूँ फिर से कैसे आ रहे हैं। वाई प्लस आपका आएगा बेसिकली जेड, मैं इधर बुक आपके सामने मेरे पास है तो मैं वहाँ से देख ले रहा हूँ क्वेश्चन, तो यहाँ पे कर दे रहा हूँ फटाफट। तो ठीक है, जेड प्लस यक्स आ जाएगा और यहाँ पे यक्स प्लस वाई आ जाएंगे। फिर इसके बाद देख सकते हैं यहाँ वन 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 कुछ इस तरीके के आ जाएंगे। कैसे आए तो आप देख सकते हो यार कि यही सब चीज़ें थी, यहाँ ये सब अंक उतारो, इसका आकलन करो, कोई चीज़ें मान यहाँ चाहे अलग अलग ला के रखोगे बात वही पड़ेगी, लेकिन आएगा इतना ही। ठीक है, तो इतना आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा दोस्तों कि इसको मैं इंटरचेंज कर लेता हूँ। मैं इंटरचेंज करता हूँ आर वन इंटरचेंज इन टू आर थ्री से, तो एक लगेगा ऐसे माइनस का चिन्ह और इंटरचेंज हो जाएंगे। तूने साड़िक में ऐसा होता है, आप भी में ऐसा कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, इस तरह से हो जाएंगे और यहाँ पे तो यही रहेगा वाई प्लस जेड, जेड प्लस यक्स और यक्स प्लस वाई रहेंगे और नीचे आ जाएंगे सब कुछ, यानी यहाँ पे हो जाएंगे वाई जेड, जेड यक्स, यक्स वाई। तो देख सकते हो यार कुछ इस तरीके के हो गए। अब यार करना क्या है यहाँ पे, यहाँ पे आपको ये करने हैं कि इन दोनों को जीरो बनाएं ताकि हमको सॉल्व करने में आसानी हो। तो मैं एक संक्रिया कर लेता हूँ, सी टू टेंस टू सी टू माइनस सी वन, सी थ्री टेंस टू सी थ्री माइनस सी टू, ये मैं संक्रिया कर लेता हूँ ताकि हमें यहाँ कुछ सिंपल हो जाए हल करने में। तो माइनस चिन्ह को ऐसे पकड़े रहिए और यहाँ पे इस तरह से डंडे को खींच लीजिए और यहाँ पे वन और ये सब तो वैसे रहेंगे फिलहाल, वाई प्लस जेड, यहाँ पे वाई जेड। ठीक है, इस तरह से हो जाएंगे। अब देखो यार यहाँ पे जीरो होगा तो वन वन हमें पता है, यहाँ यहाँ तो जीरो करना ही, हम तो कहिए हैं। इसके बाद देखो क्या करना था, यहाँ पे मैंने घटाना था, यहाँ पे देख सकते हो इधर पीछे ला के घटाना था, तो देख सकते हो जेड जेड वाला तो हमारा खत्म हो जाएगा, जेड जेड वाला खत्म हो जाएगा और बचेगा यक्स माइनस वाई, यहाँ से बचेगा यक्स माइनस वाई बचेगा और यहाँ पे क्या बचेंगे, यहाँ पे देख सकते हो बचेंगे हमारे, यहाँ से देख सकते हो जेड कामन कर लूँगा अगर मैं तो बचेगा क्या यक्स माइनस वाई, बचेगा नहीं, अभी हलगुड़ा कर दोगे वही चीज़ आ जाएगी। फिर उसी तरीके से यार यहाँ भी करोगे तो क्या हो जाएगा, वाई माइनस जेड आपको बचेगा यहाँ पे, इस तरह से लगा लो ब्रैकेट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे जब हल करोगे तो आपका बेसिकली यक्स तो कामन हो जाएगा और यहाँ से वाई माइनस जेड आपका आ जाएगा। तो इस तरह से मतलब इधर ऐसे खींच लेता हूँ, थोड़ा तिरछा कोई बात नहीं, लेकिन आपको सीधा खींचना है। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या करना है, देखिए जो चीज़ कामन, जैसे x माइनस वाई जीरो में भी माइनस x माइनस वाई छुपा है, क्योंकि जीरो में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो वही आता है, इसलिए छुपा है समझ लेते हैं। और यहाँ भी है, दोनों को कॉमन करते हैं बाहर की तरफ, चलिए कॉमन करते हैं फटाफट से। तो यक्स माइनस वाई हो जाएंगे, यहाँ से वाई माइनस जेड हो जाएंगे, इस तरह देख सकते हो दोनों चीज़ें हमारी कॉमन हुई। अब क्या करना है, थोड़ा एक बार फिर से लिख देता हूँ, क्या बचेगा वन वन जीरो जीरो यहाँ रहेंगे गाइस, और यहाँ पे क्या वाई प्लस जेड, यहाँ पे वाई जेड बचेगा बेसिकली सा, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे देख सकते हो हमारा वन, यहाँ पे जेड, यहाँ पे वन और यहाँ पे यक्स बचेगा। तो कुछ इस तरीके बचेंगे, बस करना क्या, एक माइनस चिन्ह ऑलरेडी यहाँ रहेगा, इसको सॉल्व करना है। तो देख सकते हो माइनस चिन्ह से लगाए रहो, यक्स माइनस वाई करो, वाई माइनस जेड करो, यहाँ वन है वन लिखेंगे लेकिन यहाँ यक्स माइनस जेड हो जाएगा, देख सकते हो यक्स माइनस जेड आ जाएगा, यहाँ से एक माइनस है, इसको देखो माइनस यहाँ से कॉमन करोगे तो ये पॉजिटिव होगा और यहाँ जेड माइनस एक्स हो जाएगा, क्या होगा यक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और यहाँ जब माइनस कॉमन करोगे प्लस बना तो यहाँ से जेड माइनस यक्स हो जाएगा, या इसका गुणा इसमें लेकर चार पे कर दो, बात वही है। तो ए वाला चीज़ देखो गाइस, और आप अपना जो दिया गया था ये चीज़ देखो, राइट हैंड साइड आया ना, यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड लिख के करते हैं, लेकिन वैसे मैंने कर दिया, आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, तो आपका यहाँ लिख सकते हो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारे, तो और यहाँ पे लिख सकते हो प्रूव्ड, क्योंकि आपने प्रूव्ड कर दिया। तो देखा आपने कितनी अमेजिंग तरीके से हमने तीन क्वेश्चन आपके यहाँ जैकोबियन से बताएं। अभी इसमें एक ही पार्ट में नहीं समाप्त होगा, इससे दो तीन पार्ट लग जाएंगे, क्योंकि अभी आंशिक टाइप का है और भी टाइप्स के फलन, के फलन का जैकोबियन कैसे निकालते हैं, उन सब टाइप्स अभी बचे हैं तो उन सबको भी बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आई होप आपको ये पसंद आई, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक तो बनता ही है, और लाइक के साथ साथ दीपावली, हैप्पी दिवाली, और शेयर भी एक कर देना, ठीक है, शेयर करने से ताकि सबको बेनिफिट्स हो जाए आज भाई। और बस वीडियो एंड करते हैं, मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए।